आज SDPI की जानिब से वोटर एनरोलमेंट का काम शुरू किया गया है। आज टीपू चौक पे है, ऐसे ही हर जगह हम लोग कर रहे हैं महिला महिला जाके। इसका मकसद है कई लोग जो अपने वोटर आईडी नहीं बनाए हैं वो वोटर आईडी बना लें, ताकि आने वाले इलेक्शंस में आप सही तरीके से अच्छे लोगों को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। तो हम लोग इस ये भी चाह रहे हैं कि नए लोग जो जवान बच्चे खासतौर पे 18 साल से 25 साल की उम्र के हैं वो लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। हमारा ये काम है कि लोगों को तवज्जो दिलाए कि वोट की अहमियत क्या है। तो उसलिए हम लोग ये टारगेट करके लोगों को हर महिला महिला घरों घरों में जाकर ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप वोटर आईडी बनाना है, ताकि आपके आईडीज जो इंडिया में ज़रूरत है वो मजबूती से इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मजबूत करें डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एनआरसी का जो इशू चल रहा है वैसे पूरे हिंदुस्तान में भी चल सकता है, हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रहना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को अवेयरनेस भी दिला रहे हैं हम लोग कि अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही बना कर रखें। तो इसके अच्छा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, हर महीने में लोग आके बहुत खुश हैं कि ऐसा काम गवर्नमेंट करना चाहिए था लेकिन आप लोग आके कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 60-70 फॉर्म आए हैं, इंशाल्लाह फिर कल भी यहाँ या महबूबनगर सिराज मेडिकल के पास कैंप डालना है। 20 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है, 20 तारीख तक कंटिन्यूसली हमारे गुलबर्गा में कैंप चल रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। यहाँ घर तक आकर आपको जब वोटर आईडी बनाकर दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा आप उठाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। SDPI अपनी जानिब से हर वार्ड के अंदर जो 20 तारीख जो लास्ट तय की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से नए वोटर आईडी एनरोलमेंट के लिए, तो उसके तहत SDPI अपनी कोशिशों और काविशों से हर वार्ड के अंदर हर मोहल्ले के अंदर जो नौजवान 18 से 23 साल के हैं जिनका अभी तक का वोटर आईडी नहीं बना है उनके लिए एनरोलमेंट का कैंप हर स्ट्रीट पर हर मोहल्ले पर लगा रही है जहां जहां एक्सेस है। मैं अवामुना से अपील करता हूं, शायद कि आप लोगों को वोट की अहमियत नहीं मालूम है लेकिन वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। इसको हासिल करने के बाद आपको अपने हुकूक हासिल करने में अपने मनचाहा लीडरशिप को हासिल करने के लिए है, तो इसको ना गंवाते हुए अपने राइट्स को हासिल करने और अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को चुनने का एक बेहतरीन मौका रहता है। तो मैं अवामुन्नास से अपील करता हूं कि आप लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बिलखसूस यूथ्स को मैं अपील करता हूँ कि ये लोग अपना एनरोलमेंट कराएँ, ताकि ये लोग आने वाले इलेक्शन में MP इलेक्शन में अपना रोल, अपना कीमती वोट, अपनी ज़िंदगी का जो इस मुल्क का शहरी होने का जो हक अदा करने का है वो सही सिमत में हक अदा कर सकें।